हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे खूबसूरत पौधे की जो कि बहुत कम केयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है और इसको प्रोपोगेट करना भी काफ़ी आसान है। गाइस, ये पौधा है क्लैंचोई डाइग्रोमोंटियाना और मदर ऑफ थाउजेंड के नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है, क्योंकि इसको एक पत्ते से बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है और एक ही पौधे से हज़ारों के हिसाब से आप नए पौधे तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तीन पौधे तैयार किए गए हैं जिसको सिर्फ एक पत्ते से तैयार किया गया है और ये पत्थरचट्टा फैमिली का ही पौधा है और काफ़ी उसी फैमिली के ऐसे काफ़ी पौधे हैं जिनको सिर्फ एक पत्ते से आप बड़ी आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, आप इसको जरूर ट्राई करें। सो गाइज, आज है अप्रैल की 10 तारीख और पिछले साल मई के दौरान मैंने इसको सिर्फ एक पत्ते से लगाया था। गर्मियों के दौरान आप इस पौधे को कभी भी प्रोपोगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा पत्ता मैंने इस पॉट में मिट्टी में लगभग एक इंच मिट्टी में दबाया और यहाँ पे हल्का सा इसको पानी दे दीजिए तो लगभग 20 दिन के अंदर ही आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इवन एक महीने के बाद देखिए रिज़ल्ट। तो देखिए, अभी अप्रैल के दौरान धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है तो ऐसे में मैंने अपने इन पौधों को दूसरे पौधों के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे रखा है पार्शियल लाइट में। तो देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे जो आप स्प्राउट देख रहे हो, उन्हें बेबी प्लांट्स देख रहे हो, देखिए इन्हीं को आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो देखिए, ये नीचे गिर जाते हैं और ऐसे देखिए कितने सारे नए पौधे आगे जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इन्हीं को निकाल के आप जितने चाहे उतने पौधे बना सकते हो। ये देखिए, हालांकि इसके पास जो मैंने और पॉट रखे थे उनमें भी ये थोड़े बहुत जो है जर्मिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक ही पत्ते से तीन पौधे जर्मिनेट हुए और अभी देखिए इसमें कितने सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आ रहे हैं। तो इनको लगाना काफ़ी आसान है। इवन देखिए, अभी ऐसा है कि ये पौधा मैंने यहाँ रखा है तो ये अपने आप नीचे गिरते रहेंगे और आसपास के सभी पॉट्स में नीचे मिट्टी में अपने आप इनकी ग्रोथ होती रहेगी, जैसे कि यहाँ पर हुई है, ये देखिए। तो बड़ी आसानी से ये पौधे जो है प्रोपोगेट आप इनको कर सकते हो। और देखिए, इनके जो पत्ते हैं काफ़ी मोटे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये प्लास्टिक का पौधा हो और काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। बस आपको देखिए, यहाँ से कुछ अगर आपको ये पौधा मिल जाए तो कुछ बेबी प्लांट्स को आपको लेना है या फिर आप छोटा सा एक पत्ता तोड़ सकते हो। एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी पौधा जो है छोटा सा बेबी प्लांट कोई भी नहीं आ रहा है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि आप इनसे पौधे नहीं तैयार कर सकते, आप इनको निकालिए और आप किसी पॉट में लगभग एक डेढ़ इंच मिट्टी में आप इनको दबा दीजिए तो इनसे भी पौधे तैयार हो जाएंगे, इनमें भी कुछ बेबी प्लांट्स आएंगे। जैसे पत्थरचट्टा के पौधे को लगाते हैं, सेम ऐसे ही इनको भी लगा सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने इसको एक 12 इंच के पॉट में, बड़े पॉट में लगाया है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है और आप इसको किसी 10 इंच के पॉट में, 12 इंच के पॉट में ईजिली लगा सकते हो। अगर इस पौधे की केयर की बात करें तो देखिए, गर्मियों के दौरान आप इस पौधे को बहुत तेज़ धूप में, पार्शियल लाइट में रखें ताकि तेज़ धूप पे कुछ खास असर ना पड़े। और इसके अलावा आप इसकी हल्की नमी बनाए रखें, साल में एक बार आप इसको फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। और सर्दियों के दौरान मैंने इसको वैसे तो आउटडोर में रखा था, इसको इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसके पत्ते थोड़े से मुरझाने लगे या इसके पत्ते मेल्ट होने लगे तो कोशिश करें कि आप इसको किसी पॉली शीट से थोड़ा सा ढक दें सर्दियों के दौरान। और बस बहुत कम केयर में पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। सो गाइज, कोई भी ऐसे पौधे जिनको प्रोपोगेट करना और उनकी केयर करना काफ़ी आसान हो, ऐसे पौधों को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और ये तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और इस प्लांट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।